अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर के निजी अस्पताल में रसौली के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की गलती से हुई मौत पर गुस्साए परिजनों ने 3.5 घंटे तक चक्का जाम किया। खबरों में अस्पताल के बाहर सड़क पर शव को रखकर सैकड़ों लोगों ने यातायात जाम रखा, जिसके कारण सैकड़ों वाहनों को परेशानी झेलनी पड़ी। स्थिति तनावपूर्ण होते देख कर खबरों में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। हमीरपुर के निजी अस्पताल में रसौली के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की गलती से हुई मौत पर गुस्साए परिजनों ने 3.5 घंटे चक्का जाम किया। खबरों में अस्पताल के बाहर सड़क पर शव को रखकर सैकड़ों लोगों ने यातायात जाम रखा, जिस कारण सैकड़ों वाहनों को परेशानी झेलनी पड़ी। स्थिति तनावपूर्ण होते देख कर खबरों में भारी तादाद में पुलिस पर तैनात किया गया। वही धर्मशाला राजमार्ग पर चक्का जाम के चलते सीएम जयराम ठाकुर के काफिले को बदलकर सुजानपुर मार्ग से जाना पड़ा। जानकारी के अनुसार डको गांव की 38 साल की अंकिता रसौली का इलाज निजी अस्पताल पक्का भरो से करवा रही थी और परसों रात को ही ऑपरेशन के समय डॉक्टर के द्वारा गलत नस को काट दिए जाने पर अंकिता की मौत हो गई। परिजनों के द्वारा अस्पताल के बाहर चक्का जाम किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और पुलिस ने पहले ग्लोर के पास और फिर नाल्टी के पास शव के साथ आ रही गाड़ियों को रुकवा लिया। नाल्टी में काफी देर तक परिजनों और पुलिस के साथ नोकझोंक होती रही, जिस पर गुस्साए लोगों ने शव के साथ पैदल ही करीब 6 किलोमीटर का सफर तय कर लिया और पैदल ही मसियाना के पास पहुंचे। सड़क पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि डॉक्टर की गलती की वजह से युवती की मौत हुई है, लेकिन अस्पताल वाले आज ताले लगाकर गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मामले में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। महिलाओं ने कहा कि युवती की मौत के बाद अस्पताल पर ताला लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस के बीच रास्ते में रोककर अस्पताल तक पहुंचने के लिए रोका है। उन्होंने कहा कि लोग 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल चलकर पहुंचे हैं। हॉस्पिटल बंद नहीं करना चाहिए था इनको, तो इन्होंने हमारे साथ चलना था कि हालत खराब है पेशेंट की, तो हम साथ चलते हैं, तो इन्होंने कोई नहीं अकेला डाल दिया इन्होंने एम्बुलेंस में, और उसको पता नहीं भाई क्या जहरीला पदार्थ खिलाया और वो भी साथ में बिठा दिया। घर से किसी को फोन नहीं, पता नहीं फोन नहीं, गहने भी इनके पास है, हमें नहीं पता कहाँ है, फोन भी इनके पास है, तो हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हॉस्पिटल वालों ने इन्होंने इनको 7 तारीख को फोन किया कि इनकी ट्रीटमेंट चली हुई थी यहाँ पे, जो रसौली होती है उसकी छोटी सी रसौली थी, उसका हिस्सा रह गया था, पहले भी ऑपरेशन हुआ है इनका, तो उसको निकलवाने के लिए ये 7-9 तारीख को इनको बुलाया कि 9 तारीख को टीम आ रही है कोई, तो आप आ जाना चेकअप के लिए। उसके बाद इन्होंने 3 बजे स्कूल से छुट्टी की, ये हॉस्पिटल में पहुँचे यहाँ पर, और साथ में इनके पति और छोटी सी बच्ची 3 साल की इनकी, वो साथ में आए यहाँ पर। जो भी कागज पत्र इन्होंने फीस पास अपनी जमा की, उसके बाद इनको एडमिट कर लिया, एडमिट किया, उसके बाद 9 बजे ऑपरेशन के लिए बोल दिया अरुण जी को कि आप बाहर बैठो, अब ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के लिए जब 11 बजे तक, 11:30, 11:15 बजे तक इनका कोई भी ब्यौरा नहीं आया, जबकि ऑपरेशन जो है वो केवल 1 घंटे का बताया डॉक्टरों ने कि 1 घंटे का ऑपरेशन होता है। उसके बाद ये बौखला कर उठे और इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तब भी इनको कोई जवाब नहीं मिला। उसके 15 मिनट के बाद इनको कह दिया कि उनकी हालत ठीक नहीं है और उनको टांडा रेफर कर रहे हैं हम, और हपड़ा थपड़ी में इनको कोई कुछ भी उस वक्त समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि छोटी सी बच्ची भी साथ में थी, तो ये अकेले ही उनको एम्बुलेंस में बिठाया और डेड बॉडी थी, वो मर चुकी थी वहीं पे सर, उसको भेज दिया उसके साथ। एम्बुलेंस वालों ने वहाँ पर उतारा और अपने भाग आए, उतार के भाग आए। जब ये अंदर गए, जब इन्होंने अपनी पर्ची बनवाई, जब उन्होंने रेफर का कागज मांगा, तब इन्होंने चाराजोई की, फिर फ़ोन किया, तब ये वापस जाके फोन पर उसके पास डिमांड, हमें इंसाफ चाहिए सर, कातिलों को सजा चाहिए, जिन्होंने कत्ल किया है सर, ये कत्ल आए, हमें सजा चाहिए उनके लिए, बस मैं और कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, और ये है कि ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और आप बोलें कि हमें कुछ चाहिए, क्योंकि बच्चे को माँ तो नहीं मिलेगी ना दोबारा, माँ तो सर, हम पैदल आए, पुलिस वालों ने हमें रिवॉल्वर तर दिखाई और आगे आगे बहुत चलते रहे, पीछे पीछे हम सर, हमारे लिए पुलिस फोर्स बनी है, ऐसे नहीं उनको तनख्वाह मिलती है तो हमारी भी दौलत है उसको, क्योंकि जनरेशन के लिए उसको जरूरी रखा गया, ऐसे रखा गया है पुलिस को। हाँ, जब को रात हम अपने घर में सो रहे तो क्रांति डॉक्टर फोन करवा रहे कितने पैसे चाहिए, क्या करना, कम्प्रोमाइज करो,
के पैसे से औरतें खरीदी जाती हैं। आज हमारे साथ हो, कल को और बेटियां बहनों के साथ हो सकता है। हमीरपुर में भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, चाहे डॉक्टर क्रांति हो या कोई और हो, हमें किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। मौके पर पहुंचे एएसपी विजय सकलानी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम किया गया और अभी रिपोर्ट नहीं आई है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि परिजनों को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है और आश्वासन के बाद ही लोगों ने चक्का जाम को खोला है। वहीं प्रदर्शन करने आ रहे लोगों पर एसएचओ के पिस्तौल निकालने मामले पर कहा कि इस बारे में जानकारी नहीं है और अगर ऐसा हुआ है तो छानबीन की जाएगी। क्योंकि दरबार परिवार वाले जो उनके अपने इमोशनल सेंटीमेंट्स आए थे, उन्हें प्रदान किया गया और अस्पताल के प्रति अपना रोष व्यक्त किया था, जिसमें हमने एफ आई आर दर्ज कर ली है। सचिव पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि पिस्टल निकाली, क्या इससे मैटर ऑफ इंक्वायरी, मैक्सिमम एप्लीकेशन होती है, जो इंक्वायरी का मैटर है।